सोशल नेटवर्किंग के थ्रू एक सुपारी दी गई, लेकिन इस सुपारी को अंजाम न गोलियों से दिया गया और ना ही तलवारों से। हमलावरों ने फावड़ों और कुदाल का इस्तेमाल किया। शक की सुई हर दिशा में घूमी, लेकिन आखिर में पीड़ित के घर पर आकर टिकी। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। हेलो, देखो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, बाय। दो और छूट कुलप्रीत जी, पहला कि आप घर में अकेले थी, और दूसरा कि तीसरा फोन कहां से आ गया घर में? अच्छा, फोन उठाओ। उठाओ ना फोन आंचल, देखो किसका है। हेलो, मैंने कहा ना अभी बात नहीं कर सकती, आई कॉल यू बैक लेटर, बाय। अचल, किसका कॉल था? सर, वो फ्रेंड का कॉल था। ये फोन किसका? आचल का है। क्यों, क्या हुआ? उस वक्त आपने हमें बताया नहीं कि आचल के पास भी फोन है, और ना इसका नंबर दिया लिखकर। वो मैं भूल गई आपको बताना। आप घर पे अकेली थी? हाँ, बच्ची सो रही थी अंदर, सर में दर्द था इसका। और आपकी ये बच्ची सेलफोन अलमारी के अंदर रख दी? रख दिया होगा नहीं? अभी आपको नहीं मिलेगा, और तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, और आपके पति के कातिल नहीं मिल जाते, असली कातिल। सरजीत, इस नंबर की सीडिया निकलो और हर नंबर स्कैन करो। जी सर। सर, एक इंटरनेशनल नंबर है, 00331, पेरिस का कोड है। इस नंबर पर पिछले 3 महीनों से रोजाना 2 से 3 घंटे बात होती है सर। एक इंटरनेशनल नंबर पर रोज 2 से 3 घंटे बात, मतलब काफी गहरा रिश्ता है इस नंबर के साथ, या फिर रिश्ते की आड़ में कोई गहरी चाल। कुलप्रीत जी, पेरिस में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? सर, पेरिस में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। आचल, तुम्हारा कोई दोस्त? आचल बाजवा पिछले 3 महीने से सप्ताह के 7 दिन, दिन में 2-2 घंटे, कभी कभी 3-3 घंटे पेरिस में तुम किससे बातें करती थी? सर, पेरिस नहीं, कनाडा। वो सुखबीर भाई साहब रहते हैं, आप मिले भी तो हैं उनसे, उनसे बातें होती हैं रोज। कुलप्रीत जी, 00331 पेरिस का कोड, और 00011 कनाडा। 00331 और 00011, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, उतना ही बड़ा फर्क जितना सच और झूठ में। क्या है ये सब? कौन रहता है पेरिस में? किससे बात होती है तेरी पेरिस में? तूने बताया नहीं मुझे कभी। वो मेरा फ्रेंड है राज, पेरिस में रहता है। राज? राज पेरिस में रहता है? पूरा नाम क्या है तुम्हारे इस दोस्त का? जी सर, राजवीर, राजवीर कटारिया। दोस्ती कैसे हुई? एक सोशल नेटवर्किंग साइट फ्रेंड स्क्वायर पर मिले थे हम लोग। सोशल नेटवर्क? उसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी? जी सर, 6 महीने पहले। फिर चैटिंग शुरू हुई होगी, फिर उसके बाद फोन पर बातें? हाँ। दिन में 2-2, 3-3 घंटे बातें, काफी महंगा पड़ता होगा इंटरनेशनल कॉल। नहीं सर, हर बार वही कॉल करता है। हाँ, उसके लिए भी तो महंगा हो सकता है। वैसे करता क्या है तुम्हारा ये दोस्त? देखिए सर, मेरी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया है, अगर ऐसी किसी लड़के से दोस्ती है भी तो ये इसका निजी मामला है, हमारे घर का निजी मामला है, इसे मेरे पति के मर्डर से क्या लेना देना। कुलप्रीत जी, आपके सबसे निजी रिश्ते का कत्ल हुआ तो तहकीकात तो निजी होगी,
आंचल, फ्रेंड स्क्वायर पे तुम्हारा आईडी क्या है और राज का आईडी क्या है? आंचल क्यूट फॉरएवर @wmail.com और राज का कूल राज व्यू @wmail.com। तुम्हारा पासवर्ड? तुम्हारा पासवर्ड क्या है आंचल? आई हेट हिम। यू हेट राज? मेरा पासवर्ड है आई हेट हिम। इंटरनेट के थ्रू दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टच में रहना, नए दोस्त बनाना आज एक कॉमन सी बात है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग कुछ यूजर्स के लिए उससे भी बहुत ज्यादा है। सोशल नेटवर्किंग बिजनेस, मार्केटिंग, रोमांस, प्रोस्टिट्यूशन और टेररिज्म का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन 17 वर्षीय आंचल बाजवा सोशल नेटवर्किंग किस मतलब से कर रही थी? सिर्फ फ्रेंडशिप या कुछ और? और सबसे अहम बात यह थी कि इंटरनेट पर हुई इस दोस्ती का आंचल के पिता प्रेमवीर बाजवा के कत्ल के साथ क्या रिश्ता था? I hate him. सीधे राजवीर कटारिया से हुई चैट में जाओ। Hey my baby doll, कहाँ थी इतने दिन? I missed you girl. मेरी लाइफ फिनिश्ड है। क्यों? क्या हुआ? मेरे डैड यार, आई हेट हिम। उसने मेरी लाइफ हॉरिबल कर दी है। चिल गर्ल, सभी डैड्स ऐसे ही होते हैं। नो, मेरे डैड एनिमल है। मेरी मॉम और मुझे बहुत मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि ही इज मैड। मेरा मोबाइल छीन लिया है, मुझे कॉलेज नहीं जाने दे रहे हैं, वो एक दिन हमें मार डालेंगे। ओह शट अप। आई एम सीरियस राज, मैं और मेरी मॉम रोज रोते हैं, रोज सोचते हैं कैसे निकले, कैसे फ्री हो जाए उनके चुंगल से। तुम फिक्र मत करो, तुम फ्री हो जाओगी जब वो फ्री हो जाएंगे हमेशा के लिए। व्हाट डू यू मीन? ट्रस्ट मी। लव यू। अपना फोन नंबर दो बेबी डॉल। 4445634 98। हम अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। आर यू रेडी बेबी डॉल? ये आखिरी चैट था। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे गए ना सर, फोन पर बातें। हम भी नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, फेस टू फेस बातें, वन ऑन वन। आंचल, हमारे सवालों का सच सच जवाब देना। क्या तुमने ही अपने डैड को मरवाया है? तुम्हारे और राजवीर कटारिया के बीच जितनी भी चैटिंग हुई वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब बोलो। और जोर से। मम्मा दरवाजा खोलो। मम्मा क्या हुआ है? ओके मोहल्ला इकट्ठा कर ले तू। दरवाजा खोलो मम्मा, प्लीज दरवाजा खोलो मम्मा। मम्मा मम्मा पीठ पीछे गुलछरे उड़ाती है, इसको भी अपने ऐसा बना दिया ना। अभी तो दोनों की खाल उछड़ती है। आंचल, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी पर इतना शक क्यों करते थे? सर वो सब पर ही शक करते थे, मुझ पर, मम्मी पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, सब पर। क्या यही एक वजह थी कि तुम उनसे इतनी नफरत करती थी कि तुमने अपना पासवर्ड तक आई हेट हिम रख दिया? सर मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, पर मेरे पापा को कंप्यूटर से भी नफरत थी। तो सब्जेक्ट चेंज कर दे। पर क्यों जी, कंप्यूटर तो अब घर घर में आम हो गया है। इंटरनेट के बिना कंप्यूटर चलेगा? कैसे चलेगा पापा? मुझे सब पता है इंटरनेट पर क्या क्या, ये बुक वो बुक, चैटिंग सेटिंग, गंदी गंदी हरकतें। इसे तो बड़ा मजा आएगा, तभी तो हिमायत कर रही है। बोल पापा प्लीज। कंप्यूटर इंटरनेट शैतान है,
और शैतान मेरे घर में नहीं आएगा, बता दिया तुम्हें बस। मेरी स्टडी सफर हो रही थी, मुझे मेरे फ्रेंड्स के कंप्यूटर से काम करना पड़ रहा था, छुप छुप के साइबर कैफे से काम करना पड़ रहा था। राजवीर से तुम्हारा कॉन्टेक्ट फ्रेंड के कंप्यूटर से हुआ? नहीं सर, मेरे मोबाइल फोन से। तुम्हारे पापा को मालूम नहीं था कि मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट है? मालूम था सर, पर उन्हें तो मोबाइल फोन भी शैतानी लगता था, और उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे पास मोबाइल फोन आया है। स्पीकर पर डाल, स्पीकर पर डाल। सुबह सुबह कौन फोन कर रहा? हेलो आंटी, मैं आंचल की फ्रेंड सोनल बोल रही हूँ। हाँ सोनल बोल, फोन स्पीकर पर है। आंचल, कल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के इंट्रो क्लास के लिए कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं? चैप्टर नंबर 7 और 9 का हाफ। ओके थैंक्स, बाय बाय। पापा मुझे भी एक मोबाइल फोन चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर पापा क्यों? मुझे सब पता है फोन पर क्या होता है, ये ऐप वो ऐप, जिसे देखो फोन पे घुसा रहता है। इंटरनेट होता है या नहीं बता, इंटरनेट होता है या नहीं फोन पे? सुनिए बोल, तू बोल अब। आंचल अब कॉलेज आती जाती रहती है, एक फोन होगा इसके पास तो पूछ तो सकूंगी ना कि कहाँ पहुंची, कब तक घर लौटेगी। उसके बाद ही अपने दोस्तों से बात करती रही, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, नहीं दूंगा फोन तुझे, समझ लिया? पापा नहीं है अभी तक? पापा आज लेट होने वाले हैं, तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। कौन, कहाँ है? तेरे कमरे में, जा। फोन? फिर ले नया फोन। मम्मा, मम्मा थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, तेरे पापा को इस फोन के बारे में कुछ नहीं पता है, और जब भी वो घर पे रहेंगे ना तो इस फोन को अंदर अलमारी में रखना, और जब भी कॉलेज जाएगी तो इसे अपने साथ ले जाना। लव यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। पापा मेरी मम्मा को कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते, मम्मा ने बहुत मुश्किल से बचा बचा कर मेरे लिए मोबाइल फोन खरीदा था। और उसी फोन से तुम ऑनलाइन भी जाने लगी? जी सर, और उसी रात मैंने अपने फ्रेंड स्क्वायर का अकाउंट बनाया, मेरे सारे फ्रेंड्स थे उस पर, काफी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई, कुछ जाने कुछ अनजाने। राजवीर कटारी अनजाना था? हाँ सर, किसी फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड था, उसे मेरी डीपी पसंद आई और मुझे भी वो काफी डिसेंट लगा, मैंने उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो मेरे सारे पिक्स लाइक करता, सारे पोस्ट लाइक करता, मैं भी उसके सारे पिक्स लाइक करती थी, और फिर हमारी चैटिंग शुरू हुई। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला फोन के बारे में या फोन पर हो रही एक्टिविटीज के बारे में तब क्या होगा? बहुत डर लगता था सर, पर मैं पूरी कह लेती थी कि पापा को कभी पता ही ना चले कि मेरे पास मोबाइल फोन है। पर एक दिन ओ शिट, मेरा फोन। आंचल यू आर टू हॉट यार। सी फ्रेंड, 425 लोगों ने तुम्हें लाइक किया, चैटिंग वेटिंग भी करती होगी, बताओ कहाँ, इधर आओ, बताओ कहाँ से आया फोन, कहाँ से आया फोन, किसने दिया? जी वो मैंने खरीद के दिया इसे। बहुत बढ़िया, मना किया था ना फोन नहीं देने के लिए, मना किया था ना? मम्मा, मना किया था। उस रात पापा ने मुझे जानवरों से भी बुरी तरह पीटा सर, और मम्मा को उससे भी बुरी तरह,
मैंने मना किया था ना, मोबाइल खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए बता, कौन से आने दिए? इसे भी धंधे पर लगाएगी अपने। उस रात के बाद से पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया, मेरा सब कुछ बंद करवा दिया और मम्मा का भी। घर से निकलने की कोशिश की ना तो मारूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। तब मैंने मम्मा से कहा कि मैं अब और पापा के साथ नहीं रह सकती। हम तेरे पापा से अलग नहीं हो सकते आज, तब तक नहीं हो सकते जब तक वो है। तो मतलब पूरी लाइफ ऐसे ही, जब तक वो जिंदा है या फिर जब तक उन्हें कोई मार ना दे। मुझ में हिम्मत होती तो मैं खुद मार देती उन्हें। मैं भी। उन दिनों मैं और मम्मा पहले से काफी क्लोज आ चुके थे और तब मैंने मम्मा को बता दिया राज के बारे में। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं अपनी लाइफ की सारी टेंशन्स उससे शेयर करती हूँ, पापा वाली बातें भी। मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। फिर मम्मा ने बहुत हिम्मत का काम किया। होने के बाद तुरंत मुझे फोन वापस कर देना। मैं अगर सो भी रही होंगी ना तो भी मुझे उठाकर फोन देना, लेकिन देना जरूर, ठीक है? तुमने उस रात काफी दिनों के बाद बात की राज से फोन पर? जी सर, उस रात के बाद 3 महीने तक रोज हमारी बात होती। मामा मुझे फोन ला कर देती और फिर वो पैरिस से फोन करता। प्यार मोहब्बत की बातों के अलावा और क्या बातें होती थी? पापा के बारे में बातें होती। पापा के बारे में क्या बातें होती थी? पापा को मारने की बात होती थी, जान से मारने की। क्या तुम्हारी मम्मी को भी इस बात की कोई खबर थी? हाय कुलप्रीत। हेलो राज। मैं आपको आंटी नहीं बुलाऊंगा, आंचल ने आपके पिक्स शेयर किए थे, आप बड़ी सिस्टर लगती हैं उसकी। ऑफ कोर्स यू कैन कॉल हर कुलप्रीत। ओके, काम की बात। आंचल ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं आप दोनों की हेल्प करूंगा। लेकिन राज, तुम तो वहां पेरिस में रहते हो ना, और वहां रहकर तुम हमारी मदद कैसे कर पाओगे? कुलप्रीत, मेरे दादाजी इंडिया से आए थे, मेरी पैदाइश यहीं की है और मैं यहीं पे पला बढ़ा हूँ। लेकिन मेरा गांव सरकोटर है, आपके बगल वाले टाउन में, और मैं हर साल वहां पे आता रहता हूँ। काफी कॉन्टेक्ट है मेरे वहां पे, काम हो जाएगा। आंचल, मुझे तुम्हारे पापा के पिक्स चाहिए होंगे, और अगर पॉसिबल है आज ही रात को। आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकती हूँ? अब आप एक लंबे समय तक अपने घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी ने हमें सब कुछ बता दिया। सोशल नेटवर्किंग पर हुई एक इत्तफाकन साइबर दोस्ती ने दिया एक रियल लाइफ मर्डर को अंजाम। कुलप्रीत बाजवा ने अपने आप को और अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया, लेकिन आंचल टूट चुकी थी। सब, क्या मैं बस 2 मिनट आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? मम्मा बस करो, इन लोगों ने चैट्स पढ़ लिए मेरे और राज के, सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है कुलप्रीत बाजवा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? उस रात रोज की तरह मैंने आंचल को अपनी अलमारी में से मोबाइल फोन दिया। इसके पापा उस वक्त सो रहे थे। ये ले। अम्मा, फोटोज अंदर जाके क्लिक कर लूं? पागल है क्या? तेरे पापा जाग जाएंगे तो हम दोनों की खाल उतर देंगे। तू एक काम कर, तू बाहर खिड़की से फोटो ले ले, मैं अंदर से खिड़की खोल देती हूँ।
इतनी नफरत करती थी तुम अपने पति से और तुम अपने पिता से? आपकी जेल में ऐसा कौन सा कैदी होगा सर जो जेल से नफरत नहीं करता? प्रेमवीर हमारे लिए सिर्फ जेल ही नहीं, फांसी का फंदा भी था। रोज रोज के घुटन से परेशान हो गए थे हम तो। हमने जो भी किया अपने आप को उस घुटन से आजाद करने के लिए किया। क्या फायदा मिला? अब असली सलाखों वाली जेल होगी और जिंदगी भर का पछतावा। राजवीर कटारिया के गांव का क्या नाम बताया था? सरकोत्रा। प्रेमवीर बाजवा की हत्या सोशल नेटवर्किंग की मदद से हुई थी, इसलिए पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग की हेल्प ली। पुलिस की एक टीम राजवीर कटारिया के अकाउंट को हैक करने में लग गई। उन्हें शक था कि उसी अकाउंट से सुपारी लेने वाले को तस्वीरें और बाकी डिटेल्स दी गई होंगी। और दूसरी टीम गई राजवीर कटारिया के पुरखों के गांव में, जहां राजवीर हर साल पेरिस से आता था। बिंगो, हैक हो गया। अब ये पूरा अकाउंट आपका हुआ सर, आप जो चाहे कर सकते हो इस राज कटारिया के अकाउंट के। जी सरपंच जी, इस गांव से कटारिया परिवार है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। कटारिया परिवार था, सबके सब यहां वहां चले गए, कोई कनाडा, कोई दिल्ली, कोई पेरिस। उनकी कोठी बंद पड़ी रहती है, बस साल में एक बार खुलती। जब राजवीर यहाँ आता है पेरिस से? बिल्कुल जी, पिछले 4 साल से आने लगा है। सरकोत्रा? हाँ सर, आनंद परिहार नाम का आदमी है इसकी फ्रेंड लिस्ट। आनंद परिहार। अच्छा, तभी मैं समझूं आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। गांव की गंध है ये। इस वक्त कहाँ मिले हो? आनंद परिहार, पेरिस के राजवीर कटारिया ने तुझे सकबाला के प्रेमवीर बाजवा को मारने की सुपारी दी थी। मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हैं। ये देख, हाँ सर, मैंने प्रेमवीर बाजवा को मरवाया है। राज कटारिया के दोस्त आनंद परिहार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन 6 लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने प्रेमवीर बाजवा का कत्ल किया था। ये 6 के 6 हमलावर खेतों में काम करने वाले मजदूर थे जिन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। छोटी मोटी चोरियों के बाद ये उनका पहला मर्डर था जो उन्होंने अपने खेतों के औजार, कुदाल और फावड़ों के साथ किया था। आनंद परिहार ने इस काम के लिए इन हत्यारों को 3,000-3,000 रुपए दिए थे। ये 6 के 6 उसी दिन एक ही अड्डे से पकड़े गए। यही बंदा था सर, यही था। राजवीर कटारिया एक फ्रेंच नागरिक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में वक्त और मेहनत दोनों लगेंगे।
स्थानीय पुलिस ने फ्रेंच पुलिस को रेड अलर्ट इशू कर दिया है। कुलप्रीत बाजवा, आनंद परिहार और बाकी 6 आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। उन पर आईपीसी की धारा 302, धारा 34, धारा 120B और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। माइनर होने की वजह से आंचल रिमांड होम में है। 2 महीने में अपने 18वें जन्मदिन के बाद उसके रिहा होने की संभावना है। सोशल नेटवर्क के थ्रू किया गया एक बेहद ही एंटी सोशल काम। ये सोशल नेटवर्किंग एक दोधारी तलवार है, जहां एक तरफ ये आज के जमाने में जिंदगी को बेहद आसान और दिलचस्प बनाती है, पर साथ ही गुस्से, डिप्रेशन और रैश बिहेवियर का कारण भी बनती है। प्रेमवीर बाजवा और उसकी बेटी आंचल इस इंटरनेट डिबेट के दो पहलू हैं। बाजवा का सोशल नेटवर्किंग पर इतना शक करना और आंचल का उस पर इतना ज्यादा भरोसा करना, दोनों ही हानिकारक साबित हुए। सोशल नेटवर्किंग हमारी जिंदगी की हकीकत बनती जा रही है, लेकिन इस हकीकत की शक्ल कैसी होगी ये हमारे हाथ में है। इंटरनेट यूजेज के बारे में सतर्क रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनाएं, जिंदगी नहीं। अब आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं एक और बहुत ही शॉकिंग केस। ये एसिड स्ट्रॉन्ग है ना? स्ट्रॉन्ग? किसी समूह पहलवान पे डाल के तो देख, मिनटों में कंकाल हो जाएगा। सही है, मुझे यही चाहिए। चलो चलो चलो, इट्स मिल्क टाइम। क्या बात है? Cheers! अरे फारूक भाई, आप भी आ गए? हाँ वीरेंद्र भाई, वो अपने राघव भाई 2 महीने से किराया लेने नहीं आए। ना उनका कोई फोन है, ना कोई खबर है, और उनके घर में ताला लगा हुआ है। आसपास पूछें, शायद इन्हें कुछ पता हो। ये ठीक रहेगा। जी कहिए। नमस्ते जी, हम लोग राघव जी के किराएदार हैं। 2 महीने से राघव जी की कोई खबर नहीं है। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप लोग पुलिस में खबर कर दें। पुलिस में? सही बोल रही है, पुलिस के पास चलते हैं। ठीक है। राघव देसाई और उनकी पत्नी रोहिणी देसाई दोनों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनके और उनकी 16 वर्षीय बेटी गहना के बीच में काफी एज गैप तो था, लेकिन उनके बीच के प्यार में कोई गैप नहीं था। कुछ महीने पहले तक तीनों एक सिक्योर और आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, और अब रोहिणी और राघव देसाई दोनों 2 महीने से गायब थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमारी आज की स्वार्थी फास्ट लाइफ का एक भयानक दस्तावेज है। सर, नुकीरपुर के ब्रुकमिराज अपार्टमेंट में राघव भाई का एक फ्लैट है, जहां मैं पिछले 6 साल से किराए पर रहता हूं। हर महीने की 1 तारीख को राघव भाई किराया लेने एकदम टाइम पर पहुंच जाते हैं। राघव भाई,
आपकी यही बात मेरी समझ में नहीं आती। बिल्डिंग में अच्छी खासी लिफ्ट है, फिर भी आप सीढ़ियों से चढ़ के क्यों आते हैं? बिरेन भाई धन्यवाद। आप भी ना अब लिफ्ट लेना बंद करो, सीढ़ियां जो है इंसान को तंदुरुस्त रखती हैं। अपना क्या है भाई, हम तो एक रिटायर्ड आदमी हैं, लेकिन हमारी इकलौती बेटी गहना वो अभी सिर्फ 16 साल की है, उसकी एजुकेशन पूरी करवा के उसके सेटल होने तक मेरा एक पीस में रहना जरूरी है कि नहीं भाई? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप किराया लेने अपनी बेटी गहना को क्यों नहीं भेजते भाई? आखिर ये फ्लैट तो उसी का होने वाला ना। इरहन भाई, जो कुछ भी मेरा है वो उसी का ही होगा, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं किराया लेने तो मैं ही आया करूंगा। और एक बात वीरेन भाई, जमाना बहुत खराब चल रहा है, अगर कोई भी आपके पास मेरा नाम लेके किराया लेने आए ना तो आप पहले मुझे फोन कीजिएगा। हमारे जैसे सीनियर सिटीजन का फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है आजकल वीरेन भाई। उस दिन के बाद वो मुझे आज तक नहीं दिखे। मेबिलपुर में मेरी टेलरिंग की शॉप है जो मैंने राघव भाई से किराए पे लिए 4 सालों से। उन्होंने भी मुझसे यही कहा था साहब कि किराया किसी दूसरे के हाथ में मत देना, और अगर देना ही पड़े तो उन्हें फोन जरूर करूं। इसलिए जब 2 महीने पहले राघव भाई की जगह उनकी बेटी मेरी दुकान पर आई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। गहना मेरे यहाँ भी आई थी, मैंने तो उससे यही पूछा कि राघव भाई क्यों नहीं आए। फारूक काका, मम्मी पापा जयपुर गए हैं, हमारे एक रिश्तेदार की शादी है। अच्छा अच्छा, तुम नहीं गई बेटा? नहीं, मेरा 10th स्टैंडर्ड है ना, क्लासेस टेस्ट, इसलिए। आप थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, एक एक मिनट। हाँ बेटा, ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, वो शादी चल रही होगी ना, इसलिए। बेटा मुझे गलत मत समझ, लेकिन तुम्हारे पापा ने ही कहा है कि उनसे बात किए बिना मैं किसी के भी हाथ में किराया ना। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है किराया लेने के लिए, मैं बेटी हूँ उनकी। तुम मेरी भी बेटी जैसी हो गए ना, लेकिन मैं उनसे फोन पे बात किए बिना तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं दे सकता। बेटा तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आके किराया दे जाऊँगा। ठीक है? ठीक है, फिर मैं क्या कहूँ, पापा का फोन आएगा तो मैं उनसे कह दूंगी आपने जो कहा। गहना बेटा, मुझे अपना नंबर देती जाओ। 444-56-734। ठीक है, मैं फोन करके आऊँ। बाय। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। पूरा महीना निकल गया, राघव भाई और रोहिणी भाभी दोनों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, और गहना भी फोन नहीं उठा रही। 2-3 बार मैं उनके घर गया, पर हमेशा ताला लगा रहता है। फिर हम उनके पड़ोस में एक लेडी रहती है, उनसे बात करने गए तो उन्होंने कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। कौन सी शादी 2 महीने चलती है? कौन 2 महीने अपना फोन ऑफ रखता है, और वो भी तब जब लड़की 10वीं में हो। कह रही है आज के लिए सोलंकी, राघव और रोहिणी देसाई के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराओ। मुझे राघव, रोहिणी और गहना के फोन नंबर चाहिए अभी। हाँ जी, एक मिनट। राघव जी का नंबर है 444-23-459, रोहिणी भाभी का नंबर है 444-58-921, और गहना का नंबर है 444-56-734। वो एड्रेस क्या बताया आपने? बात करनी है आपसे। देखिए, आप लोग मुझे इन सब बातों में मत घसीटिए, मुझे कुछ खास मालूम नहीं है। आपको जो भी मालूम है आप तो बताइए, हमारे लिए कब क्या खास बन जाए पता नहीं। और फिक्र मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है
तो मेरा नाम क्यों आएगा? वही कह रहा हूँ ना मैं आपसे, आप बेझिझक होके बताइए प्लीज। देखिए राघव भाई और रोहिणी भाभी दोनों ही बहुत सीधे साधे लोग हैं। पिछले साल तक तो गहना भी ठीक ठाक ही थी, फिर अचानक उन लोगों के बीच में क्या हो गया मुझे कुछ पता नहीं। गहना दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ ठीक नहीं है बेटा, दरवाजा खोलो। गहना तुम्हें मेरी कसम बेटा, माँ की बात नहीं सुनोगी, दरवाजा खोलो बेटा। गहना, पूजा जी क्या आप जानती हैं बात क्या थी? देखिए जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आप तो बताइए जो आपने देखा, सच क्या है वो हम पता कर लें। अरे गहना बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी वो लोग जयपुर गए हैं, एक रिश्तेदार की शादी है। शादी में? हाँ, पर काफी दिन हो गए। हाँ काफी दिन। और ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ फ्रेंड है। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? आंटी आपके अंदर कुछ जल रहा है ना? कपल दो महीने से गायब है और किसी ने उन्हें देखा नहीं। ये लड़की अपने किसी दोस्त के साथ आती जाती रहती है। गहना का फोन नंबर ट्राई करो। The number you have called is current. Switched off, sir. एक काम करो सोलंकी, अपने किसी खास खबरी को क्या कि इस लड़के अनुराग मेहता का सब इतिहास भूगोल निकलवा। सर। हाँ पोपटलाल, बहुत दिन से कोल्ड स्टोरेज में है। सुन एक काम है, ये देखिए सर, गहना देसाई का पिछले पूरे साल का अटेंडेंस सिर्फ 40% रहा है और पिछले दो महीने से तो वो स्कूल आई भी नहीं है। और फिर भी आपने जरूरत महसूस नहीं की है पता लगाने की कि गहना स्कूल क्यों नहीं आ रही? सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसके पेरेंट्स का फोन स्विच ऑफ है, हमने हमारे प्यून को भी उसके घर पे भेजा था, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं यूजुअली लोग मैम। दो महीने ज्यादा वक्त नहीं होता? जी सर होते हैं, पर वो तब ज्यादा होते हैं जब कोई अचानक से मिसिंग हो गया हो। गहना देसाई तो पिछले एक साल से हाइड एंड सीक खेलती आई है, यहाँ तक कि उसकी 10th बोर्ड की एग्जाम का भी फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। हमने कई बार उसके पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुलाया था पर हर बार वही ड्रामा होता। प्लीज मैम, कल से मैं रोज स्कूल आऊंगी, अपना सारा होमवर्क कम्प्लीट करूंगी। मैम मुझे एक चांस दे दीजिए, लास्ट चांस। मिस्टर एंड मिसेस देसाई, आपको अगर गहना के साथ डील करने में कोई हेल्प चाहिए तो स्कूल कुछ कर सकता है? नहीं नहीं मैडम, आप गहना से पूछिए हमसे कहाँ कमी रह गई, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम सुधार लेंगे मैडम। ये हमारी इकलौती बेटी है, हम इसी के लिए तो जीते। गहना डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ बोलो गहना, से समथिंग। गहना ऐसे नहीं करते बेटा, कुछ तो बोलो या फिर हमें बता दे। What is it, Mrs. Desai? What is the problem? Tell me. कुछ नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों और गहना सुलझा लेंगे, बस आप इसे एक चांस दे दीजिए और हमें भी। रूल्स आर रूल्स मिस्टर देसाई। देखिए अब की बार अगर गहना ने एक भी दिन स्कूल अटेंड नहीं की तो आई एम सॉरी, मैं उसकी 10th बोर्ड की एग्जाम का फॉर्म आगे सबमिट नहीं कर पाऊंगी। And this is how it is. मैम ये गहना का एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? सर 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट टर्म तक की गहना और उसके बाद की गहना मानो जैसे दो बिल्कुल अलग स्टूडेंट्स हो। गहना पढ़ाई में काफी अच्छी थी, काफी अच्छे मार्क्स आते थे उसके, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत आगे थी। पता नहीं फरवरी 2013 के बाद उसे क्या हो गया, वो बिल्कुल चेंज ही हो गई। अच्छा मैम आप किसी अनुराग मेहता नाम के लड़के को जानती हैं? नो, कौन अनुराग मेहता? अनुराग उसका बॉयफ्रेंड है, उनका काफी सीरियस चल रहा है। ये कब से चल रहा है? मैम वो तो नहीं पता,
लेकिन मैंने अनुराग को हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में देखा था। गहना उसके लिए फुल क्रेजी है। अब देखिए ना, हमारे एग्जाम आने वाले हैं और वो पूरा पूरा महीना क्लास बंक करती है, यहाँ स्कूल में भी और शाम को क्लासेस में भी। वैसे ये अनुराग रहता कहाँ है, कुछ तो आइडिया? वो तो नहीं पता, मैंने अनुराग को सिर्फ एक बार देखा है, उसी बर्थडे पार्टी में। हाँ, उसके पास एक रेड कलर का स्कूटर है, दिखने में ओके ओके सा है, शायद कॉलेज का है। तुम लास्ट गहना को कब मिली थी? 2 महीने पहले। उस दिन भी वो काफी इरिटेटेड थी। तो टिफिन नहीं लाई? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाना। ये क्या बोल रही है तू? वो लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। क्या नॉनसेंस बात कर रही है? देख, तू नहीं समझी, वो लोग दुश्मन है मेरे। वैसे क्या प्रॉब्लम थी गहना के घर में? वो तो मालूम नहीं मैम, कोई कह रहा था गहना ने घर छोड़ दिया है। वैसे सुना है कि गहना अनुराग के साथ लिविंग में रह रही थी। हमने भी सुना है। वैसे ये अनुराग रहता कहाँ है, कुछ तो आइडिया? नो मैम, कोई आइडिया नहीं। सर, यहाँ भी किसी ने गहना को 2 महीने से नहीं देखा है। सब कह रहे हैं कि वो अनुराग के साथ लिव इन में रह रही है। वो भी 2 महीने से गायब है और उसके माँ बाप के बारे में तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं। ये तो पूरी फैमिली मिसिंग है। रोहिणी और राघव देसाई तो अचानक जैसे हवा हो गए थे। गहना को कई लोगों ने देखा था लेकिन अब उसका भी कोई पता नहीं था। और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले थे इस केस में। मेरा नाम मनोहर देसाई है और मैं राघव भाई साहब का चचेरा भाई हूँ। मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, सी विंग में। पास रहने वाले पास के रिश्तेदार हैं लेकिन असलियत में राघव देसाई से बहुत दूर। जी, आपको कैसे पता? 2 महीने से आपके चचेरे भाई, आपकी भाभी, उनकी बेटी गहना गायब है और पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट किरायेदार दर्ज करवाते तो दूर ही है। मेरा और राघव भाई साहब का रिश्ता थोड़ा खट्टा था, पर जब मैंने सुना कि लोग ये कह रहे हैं कि वो जयपुर शादी में गए हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। क्यों? जयपुर में हमारा दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है और राघव भाई साहब और रोहिणी भाभी ने लगभग सारे रिश्तेदारों से अपना नाता तोड़ लिया था। क्यों? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो हमारी फैमिली और रिश्तेदारों को पसंद नहीं था। अब खुद सोचिए कि मतलब गहना और अनुराग मेहता का चक्कर चल रहा था, वो शायद उसी के साथ रह रही है आजकल। घर में माँ बाप से कुछ प्रॉब्लम थी। एक काम करते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं। लेकिन सर, घर की चाबी तो सिर्फ गहना के पास। हो सकता है हमें उस घर में कोई ऐसी चाबी मिल जाए जो हमें गहना तक पहुंचा दे। राघव देसाई के चचेरे भाई मनोहर देसाई, देसाई परिवार के पड़ोसी, गहना का स्कूल और गहना के दोस्त, इन सब के हिसाब से देसाई फैमिली में कोई सीरियस प्रॉब्लम थी। पुलिस को पता चल गया था कि ये देसाई पति पत्नी जयपुर गए ही नहीं है, लेकिन पुलिस के पास ना तो इन दोनों का कोई कांटेक्ट था और ना ही गहना की कोई खबर थी। आखिरकार जब पुलिस ने राघव देसाई के घर का ताला तोड़ा, तब इस बदबूदार केस की सच्चाई सामने आ गई। घर की लाइट्स चालू कर जाएगी। उस कमरे में चेक कर जाके
फॉरेंसिक को बुलवाओ और इस घर की अच्छे से तलाशी लो, जहां एक लड़की भी रहती थी। रोहिणी और राघव देसाई के फ्लैट के अंदर से दो सड़ी हुई लाशें मिली। क्या ये लाशें उन दोनों की थी? गहना कहाँ थी? क्या उसके बारे में भी ऐसी कोई खबर आने वाली थी? कौन था ये हत्यारा जिसने ये मर्डर्स किए थे? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.